प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल आपको रियल एस्टेट में एक्सपर्ट एडवाइस के साथ साथ रियल एस्टेट में ट्रेनिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में ट्रेनिंग देता है। दोस्तों, मैं हूं राजवंत सिंह मौली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का जो टॉपिक है, हाउ टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट मार्केट। मैंने ज़्यादातर हालात ये देखे हैं कि दो तरीके की मार्केट मैंने नोट की है ज़िंदगी में, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से इसमें काम कर रहा हूँ, तकरीबन 30 साल हो गए हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ, एक ब्लाइंड मार्केट है, एक रियल मार्केट है। जब आप एज एन इन्वेस्टर घर से निकलते हो तो आपको हर तरीके से उसमें एनालिसिस करना चाहिए। आप एनालिसिस प्रॉपर तरीके से कर लोगे तो आप ज़िंदगी में नुकसान कम से कम करवाओगे, अदरवाइज यदि आपने प्रॉपर एनालिसिस ना किया तो आपका नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। सो ये मैंने ब्लाइंड मार्केट लिखी है और एक रियल मार्केट। सबसे पहले जो मैंने कहा है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले तीन बेसिक चीज़ें याद रखनी हैं, वो क्या हैं वो मैंने आपको बार बार बोलता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ ये निकाला है कि ये तीन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखोगे, नंबर वन कैलकुलेशन, नंबर दो रेट कंपैरिजन, नंबर तीन पे है मैनिपुलेशन। यदि आप इन तीन चीज़ों का ख्याल रख लोगे तो आप ब्लाइंड मार्केट में, जो ब्लाइंड मार्केट है उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे। और यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे, इमोशंस का ध्यान रखोगे, तो आप ब्लाइंड मार्केट में भी इन्वेस्ट कर देते हो। क्यों कर देते हो? क्योंकि मैंने ये देखा है 30 साल में लगभग यही देखा है कि प्रॉपर्टी के कारोबार में रीस बहुत चलती है। रीस का मतलब है कोई, मैंने कोई प्रॉपर्टी ली, मेरे को देख के किसी दोस्त ने लेनी, दोस्त को देख के आगे दोस्त ने या उसके रिश्तेदार, ये इस तरीके से मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। मतलब जब मैंने ये देखा, जब प्रॉपर सही रेट होता है मार्केट में इन्वेस्ट करने का तो लोग नहीं करते, मंदा है कही जाते हैं। लेकिन जब तेज होती है मार्केट में, उछाल आता है, तो फिर सारे मतलब इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। ब्लाइंड मार्केट क्या है? जैसे मैं बड़े शहरों की बात करूं, दिल्ली की करूं, बॉम्बे के, कलकत्ता, हमारा चंडीगढ़ हो गया, जयपुर हो गया, कोई बड़ी मार्केट, यदि आप वहाँ पर इन्वेस्ट करते हो, मैं वो अपने चंडीगढ़ में रहता हूँ, मोहाली में रहता हूँ, तो मोहाली की ही बात करता हूँ। यदि आप मोहाली में इन्वेस्ट करते हो तो आप ब्लाइंड मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ये मानो। ब्लाइंड मार्केट में इसलिए कह रहा हूँ कि आपके बस में कुछ नहीं है कि आप मार्केट को चला सको। मैं कहता हूँ आप 2000 करोड़, 3000 करोड़, 5000 करोड़ रुपया लेके भी बैठ जाओगे तो भी मार्केट को अपने तरीके से नहीं घुमा पाओगे। फिर क्या होगा? ये कि आपको वेट करनी पड़ेगी और वॉच करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करोगे। वेट एंड वॉच, यही फार्मूला रहेगा। मार्केट में तेज़ी आ गई तो आप पैसे कमा सकते हो इन्वेस्टर के तौर पर, और मार्केट में तेज़ी नहीं आई तो आप नीचे ही जा सकते हो या आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी यदि हम मोहाली की मार्केट की बात करें, पिछले 7-8 साल में मोहाली में कोई रेट में एप्रिसिएशन नहीं हुआ, बिल्कुल प्रॉपर रहा। लेकिन कोरोना के बाद आके जो रेट 30,000 रुपये गज का था, 35,000 रुपये गज का था, वो सीधे ही 70,000, 80,000 से भी क्रॉस कर गया। डेढ़ साल में मतलब मोर देन डबल हो गया। लेकिन लोगों ने मतलब पैसे तो कमा लिए लोगों ने, लेकिन जो आदमी ने अभी आके इन्वेस्ट किया हो, लोगों को देख के कई बार पैसे नहीं होते, कई बार पैसे का इंतजाम नहीं होता, कई प्रॉब्लम है, जिसने आज उसने करा होगा तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? कल ही कहीं मीटिंग में बैठे थे, कोई बटेजा नाम का कोई फाइनेंसर था, वो बैठा था वहाँ पर, तो उसने जो मेरे को बताया बहुत शॉकिंग था कि मोहाली में
अच्छी जो मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब तेज मार्केट चली जिसमें अच्छा उछाल था, कहते 10,000 रुपये का मंदा आ गया उसमें। 10,000 रुपये का मंदे का मतलब है यदि आपने 200 गज का प्लॉट लिया हो 10 दिन पहले तो 200 गज के प्लॉट का 20 लाख रुपया रेट डाउन हो गया, यदि आपने 500 गज का लिया हो तो 50 लाख रुपया डाउन हो गया। तो आप यदि आप इस तरीके की ब्लाइंड मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपका नुकसान होने के चांसेस बने रहते हैं। यदि कमाते हो तो फिर यह समझ लो कि आप किस्मत की वजह से कमाते हो, आपका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। और जो दूसरी मैं रियल मार्केट की बात कर रहा हूँ, रियल मार्केट वो मार्केट है जिसमें आपका नुकसान होने का कोई चांस नहीं। रेट जीरो प्रॉपर्टी हीरो, मैंने बार बार बोलता हूँ कि रेट यदि हम प्रॉपर्टी कम रेट की प्रॉपर्टी ले लेंगे तो उसमें नुकसान नहीं होता, उससे नीचे नहीं जाता। लेकिन मैंने ये भी कहा है कि यदि आप कम रेट की प्रॉपर्टी लेते हो तो उसका हमने संभावनाएं भी देखनी है कि आने वाले टाइम में इसका क्या हो सकता है, क्या रेट बढ़ सकता है, इसमें क्या क्या इसमें आसपास जो कोई प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कुछ और कोई डेवलपमेंट के जो नमूने हैं, डेवलपमेंट के साधन कोई आ रहे हैं वहाँ पर, नहीं आ रहे। यदि वो आ रहे हैं तो आप जो जीरो रेट जीरो प्रॉपर्टी हीरो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार ये देखा कि हमने ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी ले ली, रेट जीरो है, प्रॉपर्टी हीरो नहीं है। प्रॉपर्टी हीरो का मतलब है वे आसपास में उसके डेवलपमेंट होने शुरू हो, आज रेट कम है कल को रेट बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा देखा है, राम कुमार इलेक्ट्रिशियन की मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि उसने दुदू में राजस्थान में आज से 10 साल पहले कोई प्लॉट लिया था सिर्फ 100 रुपये स्क्वेयर फिट में, 900 रुपये गज में, आज भी उस प्लॉट का रेट 100 रुपये स्क्वेयर फिट नहीं है, उससे नीचे है। मतलब वो कहते हैं यदि ये बेचना चाहो तो इसको कोई रेट नहीं मिलेगा, आप 20 रुपये फिट में बेचना पड़ेगा जो 100 रुपये में लिए। तो चलो मान लो यदि 100 का 100 भी मिल जाए तो भी उसमें कोई कमाने वाली बात नहीं है। मतलब रेट जीरो जरूर था लेकिन प्रॉपर्टी को हीरो बनाने में उस वहाँ के जो हालात थे उन्होंने काम नहीं किया। यदि हम कुत्ते का पिल्ला पालना हो, छोटा पिल्ला लेते हैं, छोटा पिल्ला पालते हैं, उसको उसकी खुराक भी देते हैं, इसी तरीके से जो रेट कम रेट की प्रॉपर्टी है उसकी खुराक क्या है, आसपास आने वाले प्रोजेक्ट्स। यदि वो प्रोजेक्ट्स में आ जाएगी तो उसका रेट यहाँ से यहाँ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि नहीं वहीं का वहीं पड़ा रहे, जैसे एक सेकंड एग्जांपल मैं जयपुर के बताता था कि 300 रुपये गज में बंदा प्लॉट बेच रहा था, कोई एमपी सिंह नाम का बंदा था शायद, तो जयपुर में कहता जी मेरी किताब जब आई थी 2013 में तो मेरे को फ़ोन करके कहने लगा कि सर आप इन्वेस्टर हमें हमारे पास भेजो, हम इतना पैसा। मैंने कहा यार जहाँ तुम प्रॉपर्टी बता रहे हो, जब मैंने उसकी प्रॉपर्टी की सर्च की जहाँ प्रॉपर्टी बता, वहाँ तो वैसे 300 रुपये क्या, वहाँ तो वैसे ही मेरा ख्याल तो कोई रेट ही नहीं है, जंगल में कहाँ रेट है। और आज भी वो 2013 से लेके 22 हो गया, आज 9 साल में कोई एप्रिसिएशन नहीं वहाँ पर हुआ। तो ये हमने देखना है कि भाई रेट जीरो प्रॉपर्टी हीरो वाली जो प्रॉपर्टी है क्या वहाँ पर बढ़ने के चांसेस हैं या नहीं है। या फिर दूसरी मैं ब्लाइंड मार्केट की बात कर रहा हूँ, आपने जयपुर में कहीं ऐसी बड़ी मार्केट में पैसा लगा दिया, दिल्ली में लगा दिया, मोहाली में लगा दिया, जहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। यदि आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते तो फिर आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, मार्केट जिस तरीके से चलेगी उसी तरीके से जाना पड़ेगा। आपकी जो स्थिति है वो मुर्दा शरीर जैसी है, जिधर को पानी जाएगा उधर जाएगा, आप नहीं जा सकते, अपनी मर्जी से नहीं जा पाओगे। पानी के बहाव से तो मुर्दे भी बह जाते हैं, लेकिन मज़ा तब है जब हम पानी की डायरेक्शन से उल्ट चल के दिखाएं। अब मेरे पास ऐसी मतलब रियल एस्टेट हमारे पास है जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, 2-2.5-2.5 हज़ार रुपये में मिल रही है, उसमें आप कहाँ नुकसान कर सकते हो, वो ब्लाइंड मार्केट नहीं है, वो रियल मार्केट है। 2-3 हज़ार रुपये गज में यदि आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी मिल जाती है, आप उसमें अपनी दुकानदारी कर सकते हो, आप उसको डिवेल्प करके आगे बढ़ा सकते हो। 2,000-3,000 वाले रेट को 5,000 रुपये रेट कर लेना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। लेकिन जो पहले ही 1,00,000 रुपये गज में हैं, यदि वहाँ पर रेट डाउन हो गया, जैसे कल मेरे को भुटेजा जी ने बताया कि 10,000 रुपये रेट डाउन हो गया, तो वो समझ सकते हो कि हमारी पोजीशन कहाँ चली जाती है। सो दोस्तों, हमने ब्लाइंड मार्केट में करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोचना है। ठीक है, ये शहर बड़े हैं, जहाँ ब्लाइंड मार्केट की बात करूँ, ये बड़े शहर हैं, इसमें हमें टेम्पटेशन होती है, इसमें हमें बहुत कुछ दिखता देखने के लिए। यदि आपने रहना रहने के लिए लेना है फिर तो बढ़िया, यदि आपने प्योरली इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आपको सोच के ही करना पड़ेगा।
रियल स्टेट में सबसे बड़ा फार्मूला यही है कि आपने कैलकुलेशन, रेट कंपैरिजन और मैनुपुलेशन सभी फार्मूलों को लेके चलना है, प्रॉपर एनालिसिस कर लेना है यार। सो यदि आप रियल स्टेट और रियल मार्केट और ब्लाइंड मार्केट का डिफरेंस समझोगे तो आपका नुकसान बहुत ही कम होएगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो का जो टॉपिक है ये आपको अच्छा लगेगा। इसी तरीके की हम ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स के लिए रहेगी। इन्वेस्टर को ये बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि आप कौन सी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपके पैसे का जो है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल 100% कायम रहे, उसमें से आपका प्रिंसिपल ना कम हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उससे अगला पार्ट है। पहले प्रॉपर एनालिसिस ऐसा कर ले, प्रॉपर एनालिसिस हो जाए अपना, तो उसके बाद हमारा जो प्रिंसिपल है वो कम ना हो, आगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगली बात है। सो इस तरीके की हम ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके की वीडियो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कामयाब होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चर्चा करना इसके ऊपर। अभी तक नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाला बटन दबा देना, और कोई सवाल हो, नए टॉपिक पर वीडियो हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ मिलूंगा आपको। आपका दोस्त राजवंत सिंह मोहाली। सीखते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।